नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 दिसंबर शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। उदयपुर जिले के अंबामाता थाना क्षेत्र में आर्थिक लेन देन के विवादों के बीच मानसिक रूप से परेशान हो चुके एक व्यवसायी ने खुद को गोली मार ली। व्यवसायी ने अपनी ही होटल के कमरे में खुद की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारी। इससे पहले मृतक ने 3 पेज का सुसाइड नोट लिखकर परिवार से अपने होटल को कभी नहीं बेचने की इच्छा जाहिर की। साथ ही मृतक ने एक रिटायर्ड RAS अधिकारी, वकील और फील्ड क्लब के सदस्यों के साथ आधा दर्जन नाम भी लिखे। पुलिस ने बताया कि होटल लवित्रा इनमें होटल मालिक अनिल पुरोहित ने होटल के एक कमरे में गोली मारकर सुसाइड किया। बॉडी के पास 3 पेज का सुसाइड नोट में मिला, जिसमें एक रिटायर्ड RAS अधिकारी, वकील और भू व्यवसायियों के नाम है। पुरोहित इस होटल के अलावा अंबामाता थाने के सामने अरनियावास होटल के मालिक भी हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए रात में कर्फ्यू लगाने और लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। रात्रिकालीन कर्फ्यू आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया जाएगा। सरकार ने इनडोर और खुले स्थानों कार्यक्रमों में अधिकतम लोगों की संख्या को क्रमशः 200 और 300 लोगों तक सीमित कर दिया है। यह प्रतिबंध आज से शुरू हो गया और 5 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। ताजा प्रतिबंध हरियाणा सरकार की उस घोषणा के बाद लगाया गया है, जिसमें कहा गया था कि जिन लोगों का पूरा टीकाकरण नहीं हुआ है, उन्हें 1 जनवरी से मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और अनाज मंडियों जैसे भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टियाँ रद्द कर दी गई। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा थाना क्षेत्र के दावड़ी माल क्षेत्र में शादी से कुछ घंटे पहले एक दुल्हे ने फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। वह सुबह घर से निकला था और घर नहीं लौटा। परिवार ने तलाश की तो शव 200 फीट दूर एक नीम के पेड़ से लटका मिला। युवक की आत्महत्या की वजह शादी में DJ नहीं बजाने देने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस ऐसी किसी बात से इनकार कर रही है। पुलिस ने बताया कि लाल सिंह उर्फ विनोद की बारात कुशलगढ़ के सारेल गाँव में जानी थी। इससे पहले शादी में होने वाले खर्चों की पूर्ति के लिए नौतरे का आयोजन हुआ था। पूरी रात दुल्हा लाल सिंह इस समारोह में मौजूद रहा। अल सुबह करीब 4 बजे लाल सिंह समारोह स्थल से गया। इसके बाद वह नहीं लौटा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। नागौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के बीकानेर रोड स्थित एक बिल्डिंग में चल रहे रिलैक्स स्पा सेंटर पर रेड मारी। यहां स्पा के नाम पर कथित सेक्स रैकेट चल रहा था। पुलिस ने मौके से 2 लड़कियों और 3 युवकों को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि शहर में बीकानेर रोड स्थित चल रहे रिलैक्स स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट चलाए जाने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने बोगस ग्राहक बनाकर स्पा सेंटर भेजा। स्पा सेंटर से 3 कस्टमर गोपाल सोनी, दामोदर भागर्व व बीरबल मेघवाल और स्पा सेंटर में काम करने वाली यूपी और दिल्ली निवासी 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। दामोदर भागर्व व बीरबल मेघवाल JLN हॉस्पिटल में संविदा कर्मचारी हैं। पाली जिले के बाली अपर सेशन न्यायालय के न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों के वकीलों की बहस व गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी इंदिरा राम को हत्या का दोषी माना तथा आजीवन कारावास व 15,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक नरेश शर्मा ने बताया कि नाथीबाई ने 22 जनवरी 2018 को नाना थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि उसके पति भैराराम व काका ससुर इंदिरा राम में काफी समय से रंजिश चल रही थी। 22 फरवरी 2018 की रात करीब 8 बजे उसका पति बेड़ा से बाइक पर घर का सामान लेकर आया था। बाइक काका ससुर इंदिरा राम के घर के आगे खड़ी कर दी। इस बात को लेकर इंदिरा राम उसके पति से झगड़ने लगा तथा गुस्से में लोहे की खुदाली उसके पति के सिर पर कई बार मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर एक कार में फॉरनर और उसका साथी आए। ब्रेक ऑयल डलवाने के बाद सेल्समैन को इंडियन करेंसी दिखाने को कहा। मौका देकर 50,000 रुपये लेकर भाग गए। हिसाब किताब करने पर रुपए कम मिलने पर वारदात का पता चला। CCTV में फॉरनर गले से रुपए की गड्डी उठाते हुए नजर आ रहा है। पुलिस ने बताया कि पंप मालिक ने मामला दर्ज करवाया है। कटुद्दा मोड़ पर स्थित एक पेट्रोल पंप में फॉरनर और उसका एक साथी कार में सवार होकर आए और इंडियन करेंसी को देखने के बहाने दिन दिहाड़े 50,000 रुपए उड़ा ले गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
जयपुर जिले के मानसरोवर थाने में रेलवे में टीसी के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 6.5 लाख रुपए ठगने का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि मुकदमा उमाकांत कपिल निवासी मान्यवास ने दर्ज करवाया है। शिकायत में बताया कि उसके जानकार कमल किशोर मीना और मोंटू व उनके साथी अमित कुमार अजीत सिंह ने उनके साथ ठगी की है। कमल ने पीड़ित की पत्नी अनीता स्वामी को रेलवे में टीसी पद पर नौकरी लगवाने का झांसा दिया। नौकरी लगवाने में करीब 7.5 लाख रुपए का खर्च बताया। बाद में बेटे पीयूष शर्मा की भी नौकरी लगवाने के लिए कह दिया। रुपए लेने के बाद आरोपियों ने नौकरी नहीं लगवाई और रुपए भी लौटाने से इनकार कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बूंदी जिले के केशवराय पाटन थाना क्षेत्र की इंदिरा कॉलोनी में पानी के हौद में 2 चचेरे भाई डूब गए। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि दूसरे को बचा लिया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि हादसे में 6 वर्षीय नरेश बैरवा की मौत हो गई, वहीं चचेरे भाई 12 वर्षीय ब्रिजेश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों चचेरे भाई घर से कुछ दूरी पर बने पानी के हौद के पास खेल रहे थे। इस दौरान नरेश का पैर फिसलने से वह हौद में गिर गया, जिसे डूबते देखकर चिल्लाते हुए ब्रिजेश ने भी छलांग लगा दी। शोर सुनकर स्थानीय लोग दौड़कर पहुंचे, दोनों बच्चों को हौद से बाहर निकाला। परिजनों ने तुरंत उन्हें MBS अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने नरेश को मृत घोषित कर दिया। झुंझुनू जिले के बिसाऊ थाना क्षेत्र में महनसर गौशाला के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक सीमेंट से भरे ट्रक ने मारुति वैन को टक्कर मार दी। हादसे में वैन में सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वैन सवार 6 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है, वहीं मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर थाना क्षेत्र में कोहरे के कारण एक सड़क हादसा हो गया, जहां खड़े ट्रक को एक बस ने टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि हादसा श्री विजयनगर सूरतगढ़ मार्ग पर 23GB के पास हुआ, जहां अनूपगढ़ से चंडीगढ़ जा रही रोडवेज बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में करीब 1 दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस 108 से अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।